ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خودی سے مرد خدا کا خودی سے مرد خود آگاہ کا جلال و جمال خودی سے مرد خود آگاہ کا جلال و جمال آپ نے بابا جی کی تصویر کی طرف دینا ہے اور میں نے آپ کو بات بتا دینی ہے سب نے دیکھنا ہے خودی سے مرد خود آگاہ کا جمال و جلال خودی سے مرد خود آگاہ کا جلال و جمال یہ کتاب باقی تمام تفسیریں یہ کتاب باقی تمام تفسیریں یہ کتاب باقی تمام تصویریں یہ کتاب باقی تمام تفسیریں یہ کتاب باقی تمام تصویریں خودی سے مرد خدا کا جلال و جمال معزز سامعین محترم آپ لوگ امیر المجاہدین کے عرس میں حاضر ہیں اور احباب پچھلے کئی دنوں سے حاضر ہیں اور صبح بھی ان کی باتیں ہو رہی ہیں شام بھی ان کی باتیں ہو رہی ہیں اور بات جہاں اختتام پاتی ہے وہاں حضور کی بات شروع ہو جاتی ہے یعنی لبیک کا نعرہ شروع ہو جاتا ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں تمام وہ لوگ جنہوں نے عرصِ پاک کی اس مبارک تقریبات میں دام درم قدم سخن جس لحاظ سے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اور ڈال رہے ہیں وہ انتظامی امور ہوں وہ کسی بھی لحاظ سے ہوں وہ تمام مبارکباد کے مستحق ہیں انہی کے بارے میں بابا جی نے کہا تھا کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں آج دیکھو وہ لوگ جو جا کر بڑے بڑے مقامات پر اپنے ماتھے ٹیک رہے ہیں اپنی جبینوں کو رگڑ رہے ہیں
लेकिन इस सरफरोशी के फसाने में भी अमीर उल मुजाहिदीन हुजूर के वो गुलाम पैदा करके गए हैं जो हर हाल में ये कह रहे हैं कि सितम कर इधर हुनर आजमाए तू तीर आजमा। इस जमाने में भी वो ये कह रहे हैं हर एक की आंख में आंख डालकर। मैं बात इख्तिताम से शुरू करता हूं और आवाज तक ले जाऊंगा, इख्तिताम से शुरू करता हूं आवाज तक ले जाऊंगा। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि वो ये समझते हैं कि हम तहरीक लब्बैक के बारे में कुछ गलत इकदाम करना चाहते हैं, ते तुहाडी आखिरी गल लेवे के सानू सारे नू शहीद करोगे, तुहाडी आखिरी गल लेवे के सानू सारे नू मार दोगे। आखिरी गल है ना, जिंदगी एक सवाल है, मौत इसका जवाब है, मौत एक सवाल है जिसका जवाब ये है। साउंड बंद करो जी, साउंड बंद करो। जिंदगी एक सवाल है, जड़े उठे मथे रगड़ रहे जाके जिंदगी एक सवाल है। वो सारे वो जनाब सामन इस्लामी ममालिक के सुदूर और जिम्मेदारान वो सारे खड़े हुए हैं और यहूदी उनको कहते हैं जिंदगी एक सवाल है, वो कहते हैं कि मौत इसका जवाब है। हुजूर के गुलाम खड़े हैं कहते हैं जिंदगी एक सवाल है, मौत इसका जवाब है। हुजूर के गुलाम बाबा जी की दरगाह से ये सवाल कर रहे हैं, मौत एक सवाल है जिसका जवाब हम हैं।
बिन जर्रा लखा बैठे अजे ता एक कबू पैदा नहीं काबू आता अजे ता हजार लखा बैठे त्यार तुसी गुस्ताखी करते हो कहंदे हो सी बदला लेना खैबर दा ता सुनो फिर खैबर खैबर या यहूद तुसा कहना जैशे मुहम्मद सो पर यहूद पता कि मैंने कहा सुबह शाम होगी सिर्फ बातें नहीं होगी हमने तो सुने ही कसीदे उस बाबे से खबर के ऐसे हैं कि हजरत साद बिन मुआज चले और यहूदियों की जानिब चले और खैबर की तरफ चले मुनाफिकों ने आवाज दी जैसे आज आवाज आ रही है इस्लाम अमन का दर्स देता है उदो भी हसन और क्या हसन साद जरा ख्याल करी आज सवेरे भी क्या रसन साथ जरा ख्याल करें ये हजरत साद बिन मुआज की बरकत ना साथ जरा ख्याल करी यहूदी तेरे बड़े याद सन तेरिया बड़िया उठनिया बैठनिया सन मैं तेरिया बड़िया बैठकर सन तेरे बड़े लैंड देन सन तेरे बड़े जनाब मामला सन जरा ख्याल करी मैं भी सवेर दिया सुनता आ रहा हजरत साथ की तेरा हजरत और सामने देखा काफ गैसु हाथ हम या आंखें अबरू इंसान काफ आया इंसान उनका है चेहरा नूर का जब हुजूर दे चेहरा अनवर वाला नजर पई ना तां पीछे मुड़ पै गए अल्लाह का सुनो मुनाफिको तुसी कहने हथौड़ा रखना ते सादा जो ही फैसला करेगा जेड़ा अल्लाह और उसके रसूल नु पसंद है ते असां भी कर लो ही करनी Yeah.
मैंने कहा सुनो, हमने फलस्तीनियों के लिए यह करना था जो हजरत साद बिन मुआज ने फैसला किया। मेरे आका ने फरमाया साद, ये यहूदी कहते हैं तुम इनका फैसला करो। हजरत साद बिन मुआज ने कहा यार सुल्ला, अगर मेरा फैसला है तो अर्ज करूं। हुजूर ने फरमाया बताओ। हजरत साद ने फरमाया यार सुल्ला, इनके मर्द कतल कर दिए जाए, और अगर फैसला होता हमारे पास तो सबसे पहले नींदर यहूदी ढूंढ लानी। अल्लाह की कसम, अगर वो ताकत ये जो इन गुमाश्तों ने पाल रखी है हमारे हाथों में होती तो फिर बाबे के हाथ से पहली गर्दन इसकी उतरवाते। ये हमास और इसराइल की जंग नहीं है, ये इस्लाम और कुफर की जंग है। ये इस्लाम और किसकी जंग है भाई? इस्लाम और यहूदियत की जंग है। खबरदार, ये कोई कहे कि ये इस्लाम जनाब हमास और जनाब इसराइल की जंग है, ये इसराइल और इस्लाम की जंग है। और ये ऐसे लंबी है जैसे हमारे हामी जनाब कुछ पाए जाते हैं उनके टाउट, ये कल क्या करेंगे, ये हमास को बैन करेंगे और फिर दुनिया को ये बताएंगे कि ये देखे दहशत गर्दों की उनकी जंग थी। ये दहशत गर्दों की जंग नहीं है, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों की और यहूदियों की जंग है। हाँ, हम जानते हैं तुम्हारी हर रेशा दवानियां, हम यहां वालों की भी जानते हैं और वहां वालों की भी जानते हैं। मुझे याद है सरासर, आप तुम्हें याद हो कि ना याद हो, जब तुम्हें खैबर याद है तो जनाब साद बिन मौस का फैसला हमें भी याद है। और जनाब घर घर के झूठी बातें कौम को सुनाने वालों, और जनाब मुआहिदा निजरान के नाम पर जनाब अखबारों में झूठ छापने वालों, और जनाब सिन्नियों की और जनाब मुआहिदों की और जनाब हदीसें लेकर उन जनाब अरबी काफिरों पर थोपने वालों, सुनो, अगर तुम्हें है तो फिर आज जाके चलाओ हजरत साद बिन मुआज का ये फैसला पाकिस्तान के तमाम मीडिया पर दिखाओ, और हजरत साद बिन मुआज का फैसला कल पाकिस्तान के तमाम अखबारों पर चलाओ और बताओ क्यों यहूदियों तुम्हारे साथ हुजूर के दीन ने क्या किया, इमाम अंबिया ने क्या किया, हुजूर के गुलामों ने क्या किया, और कि या रसूल अल्लाह इनके सारे मर्द कतल कर दिए जाए, इनकी औरतें लौंडी बना दी जाए, इनके बच्चे गुलाम बना दिए जाए, इनकी जायदादें जब्त कर लिए जाए, इनके किले मस्मार कर दिए जाए। और उन्होंने कहा हम जंग करेंगे, तो कहा तुम्हें जंग का शौक है, आओ बार। और आ गया मरहब, कहने लगा मैं खैबर का मरहब हूं। वहां से मरहब निकला, ये याद रखना हुजूर के गुलाम क्या मत तक आते रहेंगे। अगर वहां से नीतन जाओ निकलता है, इधर से वो वैदा भी तो निकलता है ना। ईद कुंवत अधाया दामत पदी मूसा फिरौन शब्बीर यजीद इकबाल